हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस पैथन क्लासेस में। तो पिछली क्लासेस में हमने बात की थी आपके साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में, जिसमें हमने बताया था कि आपका प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर के लिए, और इसमें हमने बताया था आपको डबल स्लैश कर सकते हैं, परसेंटेज है, ये सारे हमने ऑपरेटर्स पिछली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए थे और इसकी जो कैलकुलेशन थी वो हमने कैलकुलेशन पिछली क्लासेस में निकाली थी। तो आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मैंने कोई प्रोडक्ट बाय किया 50 रुपीज में और हमने उसको सेल किया 60 रुपीज में, तो हमें परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, पीपी में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो अब मैथमेटिक्स में हम आते हैं, तो मैथमेटिक्स में जो रोल होता है इसका वो ये होता है कि आप सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। तो ये चीज हम यहां कर सकते हैं, यहां हम लिखते हैं सेल माइनस बाय और फिर इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड में हम लिखते हैं बाय और इसको इस तरह से हो गया हमारा। अब इसको एक बार मैं ऊपर से रन करता हूं, यहां रन का ऑप्शन है, रन पे क्लिक करता हूं तो हमने प्रिंट का कमांड नहीं दिया, तभी तो रिजल्ट यहां नीचे दिखेगी। तो प्रिंट कमांड हम देते हैं, प्रिंट में हम बोलते हैं कि पीपी को प्रिंट करो। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 0.20 आ गया। अब परसेंटेज ना नंबर में होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स में जैसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ऐसे यहां पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो अब जो रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं कि यहां पे 20% का प्रॉफिट आया हुआ है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो मेरे पास मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 50,000, मैंने 50,000 का लोन किसी से लिया और रेट जो हमारा है वो मान लीजिए आपका 7% है और जो टाइम है हमारा वो टाइम मान लीजिए जो है 3 साल है। तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू, अगर सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1+r डिवाइड बाई n और इसके अंदर हमने किया पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n यहाँ पे। तो चलो करते हैं, सबसे पहले तो r को हमें डेसिमल में करना है, तो r इक्वल टू r डिवाइड बाय 100 पहले कर दिया, उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं कि यहां पे a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1+ अगेन ब्रैकेट r डिवाइड बाय n मतलब कि 12 और यहां हम एक और ब्रैकेट लेंगे और इसमें देंगे पावर, तो पावर के लिए हमने बताया था डबल मल्टीप्लाई, इसमें नहीं देना बाहर देना, हाँ डबल मल्टीप्लाई और क्या आएगा ब्रैकेट में टी मल्टीप्लाई बाय एन मतलब कि ये मंथली इसे 12 कर दिया और फिर इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो ए फॉर्मूला हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट में प्रिंट और प्रिंट के अंदर में हम यहां पे लेते हैं द अमाउंट एच और फिर यहां पे कॉमा हम दे देते हैं ए। अब इसको रन करते हैं, ए यहाँ पे
ओके तो यहाँ पे ये कैप्स क्या बोलते हैं, एक केस सेंसिटिव है। अब सही है, अब आ गया। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 61,640 हमारा रिजल्ट आया हुआ है यहाँ। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो दो कैलकुलेशन होगी। अगर हम तीसरी कैलकुलेशन की बात करें तो अब इस बार थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल कैलकुलेशन की हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है हम सी कर देते हैं, सी इक्वल टू मान लीजिए 50 रुपीज़ है। मुझे इसकी MRP निकालनी है। तो MRP कैसे निकलता है, तो पहले हम निकालते हैं कि सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 5% और इसको हम कर देते हैं प्लस। मतलब हम पहले निकालते हैं कंपनी कॉस्ट कि कंपनी को बनाने में कितना खर्चा लगा। तो कंपनी का खर्चा लगा, कंपनी का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है, ये ऊपर 50 है। तो उसका 5% निकाल के उसके अंदर ऐड करके हम दे दिए मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने अपने खरीद पे, जिसका खरीद है उस खरीद पे 10% निकाला और उसके अंदर वो अपने 10% को ऐड कर दिया। किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, नहीं ए कंज्यूमर ने डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया। तो होलसेलर ने क्या किया कि अपने ऊपर उसको खरीद पड़ती है उसमें उसने 15% का प्रॉफिट ऐड किया और किसको दे दिया, तो ये सी होगा, माफ कीजिएगा सी होगा। और फिर रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने अपने खरीद पे जो होलसेलर ने उसको दिया उसमें उसने 20% ऐड किया। जी हाँ, 20%। और ये 20% में अपना जोड़ के किसको दे दिया, कंज्यूमर को। तो फाइनल प्राइस ये रहा। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एम, एम इक्वल टू सी, यहाँ पे ब्रैकेट में देते हैं सी का 5% प्लस सी। उसके बाद फिर यहां पे हम देते हैं एच इक्वल टू, नहीं एच इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय 10%, इसमें हम एम को जोड़ दिए। फिर डी इक्वल टू एच का 15%, इसमें हमने एच को जोड़ दिया। और फिर अमाउंट माने कि ए रिटेलर प्राइस या एमआरपी, एमआरपी इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट डी प्लस डी सॉरी डी मल्टीप्लाई बाई 20% और इसमें प्लस डी कर दिया। और फिर यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम एमआरपी यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये एन बॉर्डर कॉमा में एमआरपी एज और कॉमा ने क्या दे दिया एमआरपी। इसको रन करके देखते हैं कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इनवैलिड साइन टेक्स्ट, ये जो 5% है ना, ये 5% नहीं लेगा। तो यहाँ हमें 5% के जगह पे देना देना होगा 0.05। वो परसेंट का सिंबल जैसे नॉर्मली एक्सेल पे लेता है ऐसे यहाँ पे नहीं लेता। एक गलती मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप ऐसी गलती ना करें। 0.05 और परसेंटेज मैंने हटा दिया।
अब जो है मेरे हिसाब से वर्क करना चाहिए। या एमआरपीज दिख रहा है आपको 79 रुपीज 65 पैसा। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के अंदर में मैंने एक पीडीएफ, मैं एक पीडीएफ डालने जा रहा हूँ। उस पीडीएफ को आप लोग जो है ओपन करके उसके अंदर की जो कैलकुलेशंस है उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ताकि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस आ जाए। जी हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आ जाए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। तो क्या क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं क्या ऐड करने वाला हूँ इसमें। क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और एक कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो हर लोगों की अलग अलग अपनी कैलकुलेशंस होगी, अलग अलग मैथमेटिक्स होगा। तो वो मैथमेटिक्स आपको जब तक उसको यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। इसलिए कुछ जो मैथमेटिक्स फॉर्मूले हैं उसको करें। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं हम आपको बताते हैं। ये इसे हम पीडीएफ आपके साथ अटैच कर देते हैं।